हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब एंड वनकम। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। नवी मुंबई टू सातारा और सालवे गांव की खूबसूरती आपने देख ही ली, अब इस गांव की परंपरा भी देख लीजिए। गुड मॉर्निंग, डे 3 इन सातारा। और आज इतना मस्त गुड मॉर्निंग हुआ, एक रिवाज है, टोपी और टॉवल दिया है, मस्त लगा। और कैसा लगा? अलग ही एक्सपीरियंस था। अच्छा लगा। और गजे भाई? एकदम मस्त। तो आज के दिन का टास्क है सातारा टू मुंबई, चलो। और ये हमारे शानू, शानिश शानिश। So finally say bye bye to Yadavadi. चलो भाई। यादवाड़ी। अभी टारगेट है 350 किलोमीटर का और ये फर्स्ट ब्रेक। सालवे गांव से हमें जाना था नवी मुंबई की तरफ, लेकिन उस बीच आ जाता है सातारा सिटी। और सातारा सिटी आए हैं तो डीजे भाई के घर जाना तो बनता ही है। डीजे ब्रावो, डीजे ब्रावो। अरे कोई बोल रहा हूँ दिसला को। चलो चलो, क्या होगा? डीजे भाई के घर के जस्ट पीछे है अजिंक्य तारा फोर्ट। तो हमने सोचा क्यों ना समय का सदुपयोग किया जाए और हम चल पड़े अजिंक्य तारा फोर्ट देखने के लिए। जाते जाते सातारा में आए थे डीजे भाई के घर पे, तो अजिंक्य तारा देखना तो बनता है। हम लोग ने देख चुके हैं, मैं, शरद सर, लवेश भाई, हम लोग आए थे और नए हमारे गजानन भाई और खुशबू मैडम, मैडम सो ये दोनों नए थे, तो उनके लिए आए अजिंक्य तारा देखने के लिए। मैं दोनों फुटेज जानने वाला हूँ। मैं विंटर में भी आया था अजिंक्य तारा देखने के लिए, वो ब्लॉग मैंने बनाया नहीं, बट वो फुटेजेस भी दिखाने वाला हूँ। मानसून में अजिंक्य तारा कैसे दिखता है वो भी डालने वाला है। तो लगे उन बताए नीतिशा, तो ये रहा अजिंक्य तारा फोर्ट। और अभी यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट मुंबई की तरफ, अपने घर की तरफ। अभी बेसिकली हम लोग ने राइड की है टोटल 90 किलोमीटर्स, जो शरद सर के गांव से सातारा सिटी तक थी। पता नहीं, एक अलग ही लगाव है इस सिटी से। अभी तो शरद सर का गांव घूम के तो और प्यार आ गया है सातारा पे, तो और बहुत कुछ मेरे को एक्सप्लोर करना है। करेंगे, अभी फिलहाल निकलते हैं घर की तरफ। टाइम फॉर बाय बाय टू सातारा हो गया, अजिंक्य तारा सातारा भी हो गया, डीजे भाई से भी मिले, डीजे भाई के मॉम डैड से भी मिले। बहुत अच्छा लगता है जब सातारा आता हूँ, और फर्स्ट टाइम था खुशबू और गजानन भाई का। सो कैसा लगा गजानन भाई? एकदम मस्त। हम निकले थे शरद भाई की सिस्टर की शादी में, लेकिन आते आते बहुत सजीत सर ने हम मुझे वीडियो के बारे में, व्लॉग के बारे में, रील्स के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दी। एक गजानन के बारे में एक चीज़ बोलूँगा, फोटोग्राफी का सेंस बहुत अच्छा है, मस्त फोटो निकालता है।
उसके इंस्टाग्राम पे जाना और देखना कि उसने कितने अच्छे अच्छे फोटोज़ निकाले, और उसको वीडियोग्राफी का भी बहुत शौक है। सो भाई ने थोड़े से बोलते ना कोशिश की है, बट काफ़ी अच्छी कोशिश की है, तो एक बार इसके इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके देख लेना। और खुशबू मैडम कैसा लगा? खुशबू मैम का पूरा एनर्जी डाउन हो गया, अभी ऐसा हो गया कि कब घर चले, जाना है घर? मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ से गोवा चलते, चलो फिर चलो ना फिर और जंग मंडिया अभी टोटल 350 किलोमीटर राइड करने के बाद बेहतरीन खाने का स्वाद, और वो बनाया है इस लड़की इतना मस्त हो गया राइड, इतना मस्त हो गया, और अभी सच में बात करने का भी मन नहीं है, सिर्फ मेरे को खाना भी चालू कर दिया सब लोग ने तो एक ही चीज़ कहूँगा, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और बी अ स्माइल डोनर तिला कोई सांगितलं नाही।